हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हम लोगों ने 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन होंगे जो इम्पॉर्टेंट एनएफएल एग्ज़ाम के लिए होंगे। ठीक है, एनएफएल एग्ज़ाम और इसरो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझना है और पढ़ना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन अगर जो हम आपको बताएंगे उसका एक्सप्लेन करेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सा ट्रायंगल कर्ण बनाता है। तो पिछली क्लास में हमने बताया था, जैसे हमने त्रिभुज बनाया और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो ये हमारी कौन सी भुजा है? कर्ण है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऐसे साइन बार होता है और ये हमारा स्लिप गेज की ऊंचाई होती है। ठीक है, ये स्लिप गेज की ऊंचाई होती है, इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इसे हम लंब बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लंब बोलते हैं। और ये जो सामने भुजा होती है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा होती है, ये कर्ण होती है और ये हमारी क्या होती है, साइन बार की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जब कर्ण देगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कर्ण देगा तो हमारी क्या होगी, यहाँ पर साइन बार की लंबाई होगी। अगर यहाँ पर लंब दिया है, जैसे कि यहाँ पर हमने ये बताया, अगर ये लंब दिया है तो ये होती है साइन बार क्या होती है, हमारी स्लिप गेज की ऊंचाई होती है। तब वहाँ पर आंसर होता हमारा स्लिप गेज की ऊंचाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर्ण का आंसर यहां पे होगा साइन बार की लंबाई। चलिए, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव। यहाँ पे पूछा है कि अगर हम लैपिंग ऑपरेशन में और सबसे अधिक किसका प्रयोग कर रहे हैं, एब्रेसिव कंपाउंड का, तो क्या प्रभाव होगा। तो मान लो एक लैपिंग प्लेट है और हमें लैपिंग करनी है, तो उसमें अगर हम एब्रेसिव कंपाउंड को अधिक लगा देते हैं, एब्रेसिव कंपाउंड जैसे हमारे सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बोरॉन कार्बाइड, तो ये हमारे क्या है, एब्रेसिव कंपाउंड है। अगर इनको हम यहाँ पे सरफेस में ज़्यादा लगा लेते हैं तो फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारा मटेरियल अच्छे से कटेगा नहीं, अशुद्धि का विकास होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा अशुद्धि का विकास। जो जॉब जिसकी सरफेस को अच्छा से स्मूथ करना है, जिसमें स्क्रेच बने हुए वो अच्छा से स्मूथ नहीं होगा, वहाँ पर अशुद्धि का विकास होगा। तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, राइट आंसर ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, यदि वर्क पीस की तुलना में लैब कठोर है तो क्या होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हो कि हार्ड मटेरियल अगर कोई है, जैसे कोई सॉफ्ट मटेरियल, इसको काटने के लिए दूसरी एक हार्ड मटेरियल होना जरूरी है। जैसे कि हमारा एक्सब्लेड है, वो हमारा हार्ड होता है, तब वो कहीं दूसरे सॉफ्ट मेटल को काट देता है। अगर कोई हार्ड मेटल होगा तो क्या उसको काटना, क्या वो काट सकता है, नहीं ना, बड़ी मुश्किल से काटेगा, क्योंकि उसमें टीथ कटे हुए तो काट सकता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से। लेकिन लैपिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि अगर जो लैप पर है, जो हमारा लैपर है या लैप है, वो हमारा कठोर है तो क्या होगा, तब हम उस दशा में हमारा वर्क पीस ही लैप को काट देता है। ठीक है, तब हमारा क्या करता है, वर्क पीस को लैपर को काट देता है। अगर यहाँ पे जो लैपर है वो अगर हमारा क्या है, सॉफ्ट है, ध्यान सुनिए, अगर लैपर हमारा क्या है फ्रेंड्स, हमारा सॉफ्ट है, तो फिर क्या होगा, तब हमारा जॉब को काटेगा। ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, तब वर्क पीस को काट देगा अगर हमारा लैपर सॉफ्ट है। अगर लैपर या लैप अगर हमारा कठोर है तो फिर क्या होगा, वर्क पीस जो है इसे काटेगा, लैपर को काटेगा, मतलब कि तब हमारा लैपर वर्क पीस को नहीं काट पाएगा जब हमारा लैपर क्या होगा, हार्ड होगा, वो खुद कट जाएगा वर्क पीस से। ठीक है, तो ये लैपिंग के बारे में होता है। बाकी वो एक अलग केस होता है जो हमने जैसे बताया कि किसी भी जॉब को, किसी भी चीज़ को काटने के लिए दूसरा जिससे हम काट रहे हैं वो हार्ड होना ज़रूरी है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, किस सामग्री का उपयोग छोटी व्यास के लैब बनाने के लिए किया जाता है। तो किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैब बनाने के लिए करते हैं, तो छोटे व्यास के बनाने क्या है, स्मॉल डायमीटर लैब। स्मॉल डायमीटर लैब कभी भी पूछे तो हमारा क्या होता है, कॉपर एंड ब्रास मटेरियल के ही हमारे स्मॉल डायमीटर लैब्स बनाए जाते हैं। लैब्स क्या होते हैं, जिससे कि हम लैपर होते हैं हमारे छोटे छोटे, आप देखते होंगे अलग अलग आकृति में होते हैं, राउंड भी होता है, स्क्वायर भी होता है, ये सब होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सतह मापने सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है, तो ये फिगर दिया गया है और आपसे पूछा है कि ये कौन सा फिगर है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये चार ऑप्शन हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर, सरफेस इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, तो ये हमारा कौन सा है। देखिए इसमें इंडिकेटर बना हुआ, यहीं से आप याद रख सकते हो कि, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये कि यहाँ पर और भी इंडिकेटर है, तो ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रिकल लगा दो। देखिए डॉल टेस्ट इंडिकेटर तो नहीं है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है, और इलेक्ट्रिकल सरफेस भी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटीटी एग्जाम में भी इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नेफेल एग्जाम में तो फिगर वाले क्वेश्चन कम लेकिन थ्योरी बेस वाले क्वेश्चन ज़्यादा, तो ये आईटीटी एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, जो भी आई टेस्ट उनकी तैयारी कर रही है, अप्रेंटिस की बात की जो आप एग्जाम देते हो वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो ये NFL ISRO और IOCL जितने भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज परफेक्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी इन होनिंग ऑपरेशन, होनिंग ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है हम क्या करें, होनिंग ऑपरेशन करें और हमें लार्ज क्वांटिटी में अधिक मात्रा में हमें क्या है मेटल को हटाना है, तो वहाँ पर हम मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों देते हैं। मैनुअल स्ट्रोकिंग क्या होता है, हाथ से कोई चीज़ है जैसे मशीन से चल रही है, हमने जैसे क्रॉस स्लाइड है, ऑटोमेटिक या फिर हमारा कैरिज है, सेट कर देते हैं तो अपने आप क्या है वो टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की ओर अपने आप मूवमेंट करती है, तो वो क्या होती है, वो हमारी मैनुअल नहीं होती है, मैनुअल होती जिसको हम हाथ से हम घुमा रहे हैं क्रॉस लाइट को आगे पीछे मूवमेंट करा रहे हैं, तो वो होता है मैनुअल। ठीक है, हाथ के द्वारा मूवमेंट देना, तो ये मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है, तो कभी भी होनिंग ऑपरेशन में अगर हमें लार्ज क्वान्टिटी में मटेरियल को हटाना है और तब वहाँ पर हम मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रदान इसलिए करते हैं ताकि हम टॉलरेंस कम रख सकें। अब क्या है कि मतलब ऑटोमेटिक अगर होगा, ठीक है ऑटोमेटिक हम लगा देंगे कि अपने आप मटेरियल कट जाए, तो मान लो थोड़ा सा भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो जल्दी क्या होगा वो मटेरियल ज़्यादा कट जाएगा, फिर वहाँ पर टॉलरेंस या फिर हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो हम एक एक्यूरेट साइज पाने के लिए हम वहाँ पर मैनुअल स्ट्रोकिंग प्रदान करते हैं, किस लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ठीक है, तो कम टॉलरेंस रखेंगे तो क्या होगा, हमें और स्मूथ फिनिश प्राप्त होगी, या बोल सकते हैं अगर फिटिंग है तो वहाँ पर फिटिंग अच्छे से प्राप्त होगी, तो ये वहाँ पर अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी टॉलरेंस अधिक रहेगा तो उतना भी हमें दिक्कत होती है मेटल को बाद में रिमूव करने में, तो राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है, हार्डनिंग का उद्देश्य काटने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, कोई भी जैसे हाँ कटिंग टूल है, अगर उसमें हार्डनिंग का गुण है तो हार्डनिंग का गुण नहीं है तो दूसरे मेटल को काट नहीं सकता है, इसलिए हम उस कटिंग टूल में हार्डनिंग कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाएंगे जिससे हार्डनिंग का गुण बढ़ेगा, और जैसे कार्बन प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो हार्डनिंग का गुण बढ़ता है, लेकिन क्या होता है ब्रिटलनेस का भी गुण बढ़ जाता है, इसलिए हम हार्डनिंग और टेम्परिंग करते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे मुख्यतः हार्डनिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो काटने की क्षमता को बढ़ाता है, राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हीट ट्रीटमेंट विधि में ऐसी किस माध्यम के द्वारा मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होता, तो आपको सिंपल से क्वेश्चन पता है, आंसर पता है एनीलिंग के माध्यम से हमारी कोई जॉब है उसमें हमारा मशीनेबिलिटी का गुण आता है और टेक्लिटी का सुधार होता है। ठीक है, तो किसी भी जॉब में अगर हमें मशीनेबिलिटी का गुण लाना है, मशीनिंग योग्य बनाना है उस जॉब को, तो वहाँ पर हम उसको एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग कैसे करते हैं, हम फर्नेस में रख के धीरे धीरे टेम्परेचर दे के हम जॉब को हीट करते हैं ना, फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडे होने दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रॉक में या चूने में रख के उसको ठंडा करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, राइट आंसर होगा एनीलिंग होगा। ठीक, और ये नॉर्मलाइजिंग क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर करते हैं, तो ये आपको रूम टेम्परेचर पर याद रहेगा, कभी वो क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है। हीट इन प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान पूछा है, ऑप्शन है मोर डिस्टॉर्शन, लॉन्ग हार्डनिंग टाइम, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल डेप्थ हार्डनिंग, फोर्थ ऑप्शन है नॉन सुटेबल
फॉर स्मॉल वर्कपीस, जो हमारी हीट इन प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग होती है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, लेथ मशीन के बेड में करते हैं। ठीक है, आपको बताया कि लेथ मशीन के बेड में हम कौन सी हार्डिंग का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम फ्लेम हार्डिंग का प्रयोग करते हैं। अब वहाँ पर ये बड़ी बड़ी मशीनों में हम प्रयोग करते हैं फ्लेम हार्डिंग का, लेकिन इसका दोष ये है कि इसका हम छोटे वर्क पीस के लिए नहीं करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे जॉबों के लिए हम फ्लेम हार्डिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये हमारा इसका मुख्य नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हम बड़े बड़े जहाँ पर हम बड़े जॉबों पर या मशीनों के जो बोर्ड बेड होते हैं उनकी हार्डनिंग करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल इज द मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग ड्राइंग लेयर ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल। हिंदी में देख लेते हैं, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। तो यहाँ पे धात्विक कोटिंग की विधि पूछा है और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बेस मेटल पर मेटल की परतों पर रोल या खींचने के द्वारा, तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दे देता है कि अभी हमें क्या करना है, जो बेस मेटल उसको रोल्ड करना है, मतलब खींचा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, खींचा जाता है या हम परतों में रोल किया जाता है। रोल का मतलब कोई हमारी जैसे सीट है उसको रोलिंग करना, उसमें रोलिंग करना इस टाइप का, तो वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर दे दे तो बेस मेटल पे वर्ड अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारा क्लेडिंग होगा। फिर से सुनिएगा, कभी क्वेश्चन में पूछे बेस मेटल पर मेटल की परतों रोल को खींचने के लिए, बस आपको ये वर्ड याद रखना है कि हम किस विधि में हम मेटल को खींचते हैं उनकी परतों को। ठीक है, परतों को रोल में परिवर्तित करते हैं वहाँ, और वहाँ पर धात्विक कोटिंग की उस विधि को क्या कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं। क्लेडिंग मुख्यतः हम बड़े जॉबों में करते हैं। ठीक है, बड़े जॉब के लिए हम क्लेडिंग का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। और भी इसकी विधियाँ होती हैं, ये होता क्या है, क्लेडिंग क्या होती है, जैसे हमारी सेरेडाइजिंग होती है, क्रोमाइजिंग होती है, क्लोराइजिंग होती है, ये क्या होती है, किसी भी कोई भी हमारा सीट मेटल है उसमें जॉब क्या हमारा जंग ना लगे। ठीक है, तो जंग ना लगे उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग की एक प्रक्रिया है, कोटिंग की क्या है, एक विधि है, जो हमारी अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे तो जैसे हमारी मान लो अगर आपसे पूछे सेरेडाइजिंग, एक सेरेडाइजिंग कोटिंग विधि होती है, तो इस माध्यम से हम किस मेटल किसकी कोटिंग करते हैं, हम जिंक की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरेडाइजिंग में हम सेरेडाइजिंग क्रिया में हम किस कोटिंग मेटल का प्रयोग करते हैं, तो जिंक का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछता है क्रोमाइजिंग में हम क्रोमियम का प्रयोग करते हैं, किसमें, क्रोमाइजिंग में अगर पूछेगा तो हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रोमियम का प्रयोग करते हैं। तो सेरेडाइजिंग में लास्ट में जिंक आता है, तो ऐसे याद रखना है जिंक, और क्रोमाइजिंग में आपको याद रखना है क्रोमियम, और क्लोराइजिंग में पूछेगा तो आपको एल्यूमिनियम, है ना। क्लोराइजिंग कैसे याद रखेंगे, क्लोराइजिंग को आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे CaLO, है ना, इस टाइप से लिखोगे, तो यहाँ से C को कट कर देना है और Al क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो क्लोराइजिंग में हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं, हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सेरेडाइजिंग में सेरेडाइजिंग लास्ट में जिंक आता है, तो यहाँ पे हम जिंक का प्रयोग करते हैं, जो लगभग 370 डिग्री टेम्परेचर पे इस विधि को हम करते हैं। 370 डिग्री टेम्परेचर भी पूछता है तो याद रखिएगा। क्लोराइजिंग में क्रोमाइजिंग में पूछेगा तो क्रोमियम, इसमें वैसे हम दो यूज करते हैं, क्रोमाइजिंग में हम क्या है दो मेटल यूज करते हैं हम कोटिंग करने के लिए, हम क्रोमियम पाउडर और एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं ना, दो चीज़ का यूज करते हैं, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और यहाँ तक हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास कैसे लगी, सीखने को आपको कुछ नया मिला ही होगा, है ना, जैसे कि जो भी हमने अभी लास्ट में इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है हर एग्जाम में, तो याद रखिएगा। और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड हो जाएगी, नेक्स्ट डे डेली अपडेट होगी क्लास, तो आशा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।